नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। कल यानी 1 जुलाई सोमवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को उन गाड़ियों को जब्त करने का अधिकार दिया है जो गायों का वध करने के लिए उनके परिवहन में इस्तेमाल की जाती है। पहले मजिस्ट्रेट ये तय करता था कि गायों के वध या अवैध व्यापार के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है या नहीं, लेकिन अब कैबिनेट ने इसमें बदलाव के लिए बिल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले परिवहन की जा रही गायों को हिरासत में लेने का अधिकार था, लेकिन इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त करने का अधिकार नहीं था। इस बिल के चलते मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अब वाहन भी जब्त कर सकेंगे। इस बिल से इस कानून की सख्ती और भी बढ़ गई है। वैसे पिछले कुछ दिनों से नागपुर में गोवंश के अवैध तरीके से परिवहन करने, उनका वध करने आदि के कई मामले सामने आ रहे हैं। लोग निर्दयता से गोवंश की हत्या कर रहे हैं। इन सबको रोकने के लिए गोरक्षण के कानूनों में सख्ती की जरूरत है, तभी आरोपी ये अपराध करने से कतराएंगे। इसी तरह का कानून महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए, जहाँ केवल पुलिस ही नहीं बल्कि कलेक्टर के पास भी अधिकार हो, क्योंकि कई बार आरोपी पुलिस के साथ या तो सेटलमेंट कर लेते हैं या पुलिस से जान पहचान बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़े अधिकारी के पास योग्य ताकत होनी चाहिए जिससे आरोपी ऐसा खौफनाक जुर्म करने से घबराएं।